हाय एवरीवन, आज हम वेस्ट बंगाल जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो WBJEE यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिससे आप अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, फार्मेसी, टेक्नोलॉजी या फिर आर्किटेक्चर कोर्सेस कर सकते हैं और इससे आप वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाते हो। सो इस बार जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इस चैनल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ साथ एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो भी आपका पेपर वन पेपर टू है। सो जितने भी मार्किंग स्कीम है, नेगेटिव मार्किंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपका कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी वो भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, और प्रिपरेशन टिप्स क्या होनी चाहिए WBJEE एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो किस लेवल का ये एग्ज़ाम होता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनैलिटी, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए WBJEE एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। इसके अलावा अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो कोई भी प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं है वेस्ट बंगाल डोमिसाइल स्टेटस की, बट हाँ कुछ नंबर ऑफ सीट्स जो है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए क्लास ट्वेल्थ में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा आपके बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सो ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट है, और आपने अगर क्लास ट्वेल्थ पास आउट कर लिया या फिर आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो भी आप एलिजिबल होते हो इंजीनियरिंग कोर्स के लिए। फार्मेसी कोर्स के लिए अगेन आपके क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट होने चाहिए मेन। इसके अलावा बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर मैथमेटिक्स आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। ओके, सो ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो आपके मिनिमम 45% होने चाहिए अगर आप जनरल हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते लाइक आप ST ST OBC या PWD से बिलोंग कर रहे हो तो आपके मिनिमम 40% होनी चाहिए क्लास ट्वेल्थ में। इसके अलावा आपका इंग्लिश जो है वो भी आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें आपके मिनिमम 30% आपने स्कोर किया हो। ओके, एज लिमिट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, और ये जो एज लिमिट है वो आपका 31 दिसंबर 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो ये थी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। इसके अलावा जो भी WBJEE पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से उसकी भी कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो वो भी अगर आप फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। सो वेस्ट बंगाल जे एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होता है, और ये 4 आर का MCQ बेस्ड पेपर है जो कि 2 पेपर में डिवाइडेड है। पेपर 1 आपका 2 घंटे का होता है जिसमें मैथमेटिक्स होता है, और पेपर 2 आपका अगेन ये 2 घंटे का होता है जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है। ओके, अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही देते हो तो आप इंजीनियरिंग कोर्सेज, फार्मेसी, टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, और इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप सिर्फ पेपर 2 देते हो तो आप फार्मेसी कोर्स कर सकते हो, एक्सेप्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है उसको इंक्लूड करके, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसके अलावा अगर पेपर 1 सिर्फ देते हो तो आप किसी भी प्रोग्राम या किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। ओके, तो अब बात करते हैं कैटेगरी की। यहाँ पे गाइस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मार्क्स है, उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आपके 110 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को मिला के, और इसमें आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जो सेकेंड कैटेगरी है इसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपका 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और जो थर्ड कैटेगरी है इसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और अगेन यहाँ पे 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, लेकिन जो आपका आंसर है वो मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं। सो ये आपका डिफरेंस है कैटेगरी सेकेंड एंड कैटेगरी थर्ड में। नेगेटिव मार्किंग होती है फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकेंड कैटेगरी में, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन थर्ड कैटेगरी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, सेकेंड कैटेगरी में 0.50 नेगेटिव मार्किंग है।
सो यहाँ पे आप प्रॉपर एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हो जिसमें तीन सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपका एक पेपर है जो कि 2 घंटे का होता है, मैथमेटिक्स आपका एक पेपर जो कि 2 घंटे का होता है। सो टोटल 4 घंटे का ये ओवरऑल एग्जामिनेशन है एंड यहाँ पे टोटल जो मार्क्स है वो 200 है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 50 एंड 50 मार्क्स के आपका ये एग्जामिनेशन होता है जो कि 100 मार्क्स का हुआ, और मैथमेटिक्स आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। सो ये था आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। फर्दर कोई एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस होता है तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आपका जो सिलेबस है WBJEE का, वो क्लास 11th एंड 12th का करिकुलम है वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड का। सो अगर आप वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड से स्टडी किए हैं, आपका क्लास 11th 12th का जो भी करिकुलम है वही आपका मेन सिलेबस है। बट स्टिल डिटेल में सिलेबस को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक रहेगी WBJEE एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो वेस्ट बंगाल जे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए आप क्लास 11 12th की जो बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वो आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर आप WBJEE चैप्टर वाइज एक्सप्लोर इंजीनियरिंग बुक है वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग बुक मिल जाती है और मैथमेटिक्स की अलग मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सॉल्व पेपर होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो इसमें आपका अरिहंत पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ले सकते हो, या फिर आप दिशा पब्लिकेशन का भी लिख सकते हो जिसमें आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मिल जाएगा। सो फाइनली प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको WBJEE का कंप्लीट सिलेबस चेक करना है, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छे से समझना है, जो भी पेपर 1 पेपर 2 है उसे अच्छे से समझने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आने लगेगी, लाइक एग्जाम का नेचर कैसा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। उसमें आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जा रहा है और किस सेक्शन में आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आने के बाद ही आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाते हो। गाइस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपका स्पीड होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी है और ज़्यादातर क्वेश्चन इजी ही है, और कुछ क्वेश्चंस है जो मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, बट मोस्टली जो क्वेश्चन है वो इजी लेवल के होंगे। इसलिए आपका जो स्पीड है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को दे पाओगे और अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। ये एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड में होगा, इसलिए आपको जो प्रैक्टिस है वो भी आपको ऑफलाइन मोड में ही करना है। एंड जब भी आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो कोशिश करना कि आप कैटेगरी सेकेंड एंड कैटेगरी थर्ड को पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप इसको पहले अटेम्प्ट करते हो तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे और मार्क्स भी आपके ज़्यादा आएंगे। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी लिंक्स है, वीडियोज़ है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।